हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास सेवन्थ हिस्ट्री लेसन फोर द मुगल एम्पायर सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट वी हैड स्टडी अबाउट हुमायूं एंड बाबर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पॉपुलरली नोन एज अकबर, एज द थर्ड मुगल एम्परर। मुगल एम्परर का थर्ड एम्परर अकबर थे, जिनका फुल नेम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हु रेन फ्रॉम 1556 टू 1605। इनका शासनकाल था, इनका राज्यकाल जो था, इन्होंने रूल 1556 से 1605 तक किया। अकबर सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं, उन्होंने अपने फादर हुमायूं की रूल को सक्सेशन को आगे बढ़ाया, सक्सीड किया उन्होंने। अंडर अ टर्म नीड्स एक्सप्लेनिंग, जिसमें ये टर्म्स थी उनके रूल में, ये टर्म्स थी कि बैरम खान उनकी हेल्प करेंगे। बैरम खान हु हेल्प दी यंग एम्परर एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट मुगल डोमेन्स इन इंडिया। बैरम खान ने अकबर की हेल्प की मुगल डोमेन्स को इंडिया में एक्सपैंड करने में और सारे डोमेन्स को संगठित करने में, मीन्स कंसोलिडेट मीन्स कम्बाइंड करने में बैरम खान ने हेल्प की। क्योंकि जब हुमायूं की डेथ हुई और अकबर को मुगल एम्परर बनाया गया, देन वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड था। नाउ द नेक्स्ट एम्परर वॉज जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, नोन बाई हिज एम्पीरियल नेम जहांगीर, इनका डोमेस्टिक नेम था जहांगीर और फुल नेम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। इनका रेन था अगस्त 1569 अक्टूबर टू 1627। वॉज़ दी फोर्थ मुगल एम्परर। ये जहांगीर हमारे मुगल फोर्थ मुगल एम्परर थे, हु रूल्ड फ्रॉम 1605 अंटिल हिज डेथ इन 1627। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबर्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। उनके लास्ट रेन के लास्ट ईयर में, उनके शासनकाल के जो लास्ट ईयर्स थे उसमें उनके जो फ्यूचर प्रिंस थे खुर्रम मीन्स शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। नाउ द नेक्स्ट एम्परर वॉज शाहजहां। शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, बेटर नोन बाय हिज रीजनल नेम शाहजहां, का डोमेस्टिक नेम था शाहजहां, जिनका फुल नेम था शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। वॉज द फिफ्थ मुगल एम्परर। शाहजहां मुगल के फिफ्थ एम्परर थे, सम्राट थे। हु रेन फ्रॉम 1628 टू 1658। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1628 टू 1658। हिज रेन रिप्रेजेंटेड द हाइट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर। उनके रूल्स में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर को प्लेस मिला, मीन सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य हुए, कंस्ट्रक्शंस हुए। मोस्ट नोटेबल द ताजमहल। ताजमहल एज द मोस्ट नोटेबल आर्किटेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हिज रूल, क्योंकि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था। नाउ द नेक्स्ट इज औरंगजेब। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, आल्सो नोन बाय हिज रीजनल टाइटल आलमगीर। औरंगजेब का जो डोमेस्टिक टाइटल था, नेम था आलमगीर, वॉज द सिक्स्थ मुगल एम्परर। ही वॉज औरंगजेब वॉज द सिक्स्थ मुगल एम्परर हु रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 49 ईयर्स। ऑलमोस्ट औरंगजेब ने इंडियन के सभी, जितने भी इंटायर सब कॉन्टिनेंट में, सभी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उन पर रूल्स किया लगभग 49 ईयर्स। widely considered to be the last effective ruler of the Mughal Empire. ये सबसे last जो सबसे effectively ruler था वो Mughal Empire में, वो औरंगजेब ही था। औरंगजेब compiled the fatwa he Alamgiri and is regarded as one of the few rulers who have fully established Sharia law. मीन्स औरंगजेब ही एक ऐसा रूलर था जिसने फुली शरिया लॉ, दिस इज़ द रिलीजियस लॉ, शरिया कानून, एक रिलीजियस कानून था, धार्मिक कानून था, जिसको फतवे आलमगिरी कहते थे। सिर्फ औरंगजेब ही ऐसा रूल था जिसने फुली इस्लामिक को, इस्लाम रिलीजन को सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया था, फुली एक्सपेंड किया था। लॉ इस्लामिक इकोनॉमिक्स थ्रू आउट साउथ एशिया, साउथ एशिया में पूरी तरह से शरिया लॉ को ही इस्टेब्लिश किया था औरंगजेब ने।
नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ वॉर्स ऑफ सक्सेसन एमंग मुगल्स, मीन्स मुगल्स के बीच में जितने मुगल्स थे उनके बीच में वॉर्स हुए अपनी अपनी सक्सेसन के लिए, अपनी अपनी प्रगति के लिए. ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स, मेडिवल पीरियड में जनरली टू कस्टम्स वेयर फॉलोड व्हेन द स्टेट ऑफ अ फादर और अ किंग वॉज इनहेरिटेड बाय हिज चिल्ड्रन. क्योंकि मुगल एम्परर में दो कस्टम्स थे, दो रीतियां थीं जो फॉलो की जाती थीं स्टेट के लिए, मीन्स उनके साम्राज्य के लिए, जिसमें होता था जो फादर होता था या जो किंग होता था उसके हैं जो हेरिटेज होती थी उसको चिल्ड्रन को, उसके बच्चे को दिया जाता था, उसके चिल्ड्रन को दिया जाता था. वन वॉज द कस्टम ऑफ प्राइमोजेनेचर. प्राइमोजेनेचर मीन्स वी कैन से एल्डर वन टेक स्टेट. प्राइमोजेनेचर मीन्स ज्येष्ठाधिकार, मीन्स जिसमें क्या होता है अंडर विच द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट. प्राइमोजेनेचर में होता है कि जो सबसे राजा का या फादर का जो सबसे बड़ा सन होता है, जो एल्डेस्ट सन होता है, उसी को उसकी स्टेट दी जाती थी, उसका राज्य जो है इनहेरिटेज में उसी को मिलता था जो सबसे बड़ा पुत्र होता था. द अदर वॉज द कस्टम और सेकेंड कस्टम ये थी कि ऑफ कोपरसेनरी इनहेरिटेंस. कोपरसेनरी इनहेरिटेंस में क्या होता था कि एक राज्य को जितने भी पुत्र होते थे, किसी भी किंग के जितने भी सन होते थे, उस एक राज्य को उन सभी में बांटा जाता था इस कस्टम के अकॉर्डिंग, कोपरसेनरी कस्टम के इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग्स. एक राज्य को, स्टेट को सभी पुत्रों में बांटा जाता, जितने भी सन होते थे किसी भी किंग के उस सब में बराबर बांटा जाता था. अंडर विच द फादर्स स्टेट वॉज डिवाइडेड इक्वली एमंग हिज सन्स. द मुगल्स फॉलोड द कस्टम ऑफ कोपरसेनरी इनहेरिटेंस. क्योंकि जो मुगल्स थे वो इसी कस्टम को फॉलो करते थे जो कि तैमूरी डायनेस्टी के थ्रू क्रिएट किया गया था, फॉलोड बाय द तैमूरी डायनेस्टी. क्योंकि वो लोग तैमूरी डायनेस्टी को फॉलो करते थे इसलिए वो इसी कस्टम को फॉलो करते थे जिसमें सभी सन्स को बराबर बराबर स्टेट में, स्टेट को डिवाइड किया जाता था सभी के बीच में. बट दिस कस्टम ऑफन रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिबेलियंस विद इन द मुगल एम्परर्स फैमिली बिकॉज ऑल हिज सन्स वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिवीज़न. क्योंकि ये सब में बराबर बराबर बांटने का जो एक कस्टम था साम्राज्य को, तो ये कस्टम इसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी पुत्र सन्स होते थे, मीन्स जितने भी मुगल एम्परर के सन होते थे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, झगड़े होते थे, बहुत सी रिबेलियंस भी हो जाती थी, रिवॉल्ट्स कर देते थे, तो लोग विद्रोह कर देते थे. क्योंकि जो मुगल एम्परर्स फैमिली थी उनके जो सन होते थे वो सेटिस्फाई नहीं थे इस डिवीज़न से, उनका वो इन बराबर बराबर के डिवीज़न को नहीं, उससे नहीं सेटिस्फाइड होते थे. सम ऑफ them wanted to rule the entire empire solely. जो उनमें से कुछ ऐसे होते थे जो फैमिली के सन होते थे, उनका ये मानना था कि वो अकेले ही किसी भी एम्पायर पे, इंटायर एम्पायर पे, पूरे साम्राज्य पे, पूरे स्टेट पे वो अकेले ही सोली ही रूल करना चाहते थे. इसलिए उनको इस रूल को, इस कस्टम को, कोपरसेनरी जो कस्टम था उसको मानने में उनको प्रॉब्लम होती थी और वो कॉन्फ्लिक्ट्स करते थे, झगड़े करते थे और रिबेल भी करते थे, मीन्स विद्रोह भी कर देते थे. सो एज अ रिजल्ट मुगल एम्परर्स ने बहुत सारे नंबर ऑफ वॉर्स फॉट किए, मीन्स उन्होंने बहुत सारे वॉर्स किए टू विन न्यू टेरिटरीज और टू रीप्लस अटैक्स ऑन दियर ओन टेरिटरीज. उन्होंने अपनी ही टेरिटरीज़ को रीप्लस करने के लिए बहुत सारे अटैक्स किए और एक दूसरे मुगल ने अमंगस्ट, मीन्स आपस में ही बहुत सारे वॉर्स किए. दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ वॉर्स फॉट बिटवीन मुगल एम्परर्स. प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट. स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज एंड रीड इट वेरी केयरफुली.
ओके, अवर सेकेंड पार्ट इज़ फिनिश्ड हियर. नाउ वी विल डिस्कस मोर पॉइंट्स अबाउट मुगल एम्परर्स इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.